नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा मित्तल है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने के वड़े। ये व्रत में भी खाए जा सकते हैं और वैसे भी खाए जा सकते हैं। आज हम बना रहे हैं व्रत में जो खाए जाते हैं वो है, तो उसमें आज हम अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया नहीं डालेंगे, बाकी सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हम शुरू करते हैं। तो सामान जो हमें चाहिए इसके लिए, ये आलू है, करीब 750 ग्राम है, हमने बॉईल करके छील के रख लिए। और ये साबूदाना है, ये 200 ग्राम हमने भिगोया था रात को, इसको भिगो के रख लिया है हमने। तो भिगोने के लिए हमने ऐसे किया है कि ये साबूदाने को पानी में, जितना पानी में भीग जाए पूरा, उसके ऊपर करीब 1 सेंटीमीटर ऊपर रहे, उतना पानी डाल के इसको हमने भिगो धो दिया पहले, उसके बाद भिगो दिया और भिगो के ढक के रख दिया। और फिर उसके बाद ये मूँगफलियाँ हैं, करीब 80 ग्राम मूँगफलियाँ, इसको हमने ड्राई रोस्ट करके छिलका उतार के रख लिया इसका। और ये सेंधा नमक है इस, और ये इसके बाद काली मिर्ची हमने कूट के रखी है, ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून या जितना आपको पसंद हो उतना आप सेंधा नमक ले सकते हैं। बना तो सादा नमक से भी सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है सेंधा नमक के साथ, तो इसी के साथ बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम आलू तोड़ लेंगे और ये साबूदाना उसमें मिक्स करके तैयारी करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले ये मूँगफली थोड़ी सी क्रश कर लेते हैं मोटी मोटी। ये देखिए मूंगफली क्रश करने के बाद ऐसी लग रही है। अब हम शुरू करते हैं। तो पहले आलू तोड़ लेते हैं। ये सब काम अगर हाथ से किए जाए तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है चीजों में, इसलिए मैं हाथ से ही करती हूँ आमतौर पर। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है आलू का, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। अभी हमने इसको मैश कर लिया, लेकिन ये टिक्की की तरह फाइन पेस्ट नहीं है, मोटा मोटा हमने इसको छोड़ दिया। ये देखिए ऐसा है। अब इसके अंदर हम बाकी सब चीज़ें डाल देंगे। और इसमें सब चीज़ें, साबूदाना, मूंगफली कुटी हुई, और ये सेंधा नमक, और ये काली मिर्च, सब हमने मिला लिया। और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर इसके बड़े बनाएंगे। अब ये हो गया है, अब हम इसके बड़े बनाने शुरू करेंगे। थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के बनाएंगे। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं, तो तेल भी तब तक गर्म हो जाएगा, तब तक हम बड़े बना लेंगे। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के और बड़े नींबू के साइज के बॉल्स बना लेंगे हम। अब उसको हल्का सा हथेली से दबा के फ्लैट कर लेंगे बड़े की शेप में। ये देखिए, ये ठीक से चिपका हुआ होना चाहिए, थोड़ा ढीला ढीला ना रहे, नहीं तो तलते टाइम टूट जाएगा। ये देखिए सारे बना लेते हैं। जितना सामान हमने लिया था उसमें हमारे ये 26 वड़े बन गए हैं। तो अब हम तलना शुरू करते हैं। तेल गर्म हो गया लगता है, तो इसके लिए तेल थोड़ा तेज गर्म चाहिए, कम गर्म नहीं हो, स्मोकिंग भी नहीं हो, लेकिन तेज हो। थोड़ा डाल के देखते हैं हो गया कि नहीं। हाँ, ठीक गर्म हो गया। और एक साथ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं डालें, जितने थोड़ा आराम से सिक सके उतने ही डालें, नहीं तो फटने के चांस हो जाते हैं इनके। बस इतने ही काफ़ी हैं, इतने इसमें ठीक आ गए। अब ये थोड़ा सिक जाएंगे, उसके बाद हम इनको पलटेंगे, जल्दी नहीं पलटेंगे। हाँ, ये जैसे ही हम इसमें टच कर रहे हैं ऊपर उठ जा रहे हैं, चिपक नहीं रहा नीचे, तो अब हम इसको पलट सकते हैं। एक बार ये थोड़े से ऊपर से सिक जाएंगे ना, पलट देंगे, फिर हम थोड़ी सी गैस हल्की भी कर सकते हैं, अगर हमें लगे थोड़ी ज़्यादा तेज है तो हल्की कर सकते हैं। अभी हमारी उतनी तेज गर्म नहीं है कि हमें कम करनी पड़े, ठीक है।
अभी हम पलट के सेक लेंगे दो तीन बार। गैस थोड़ी हल्की कर देते हैं, मीडियम करनी है, बहुत हल्की नहीं, मीडियम बस। तो हमारे ये सिक गए बड़े, अब इनको उतार लेंगे। बहुत अच्छा कलर आ गया। ये देखिए अच्छा कलर आया काफी। तो इसमें और डाल देंगे और सारे सेक देंगे ऐसे। बड़े हमारे तैयार हो गए, आप इन्हें टेस्ट करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी सेकने के बारे में, कि आप सेकते टाइम जब बड़े पहली बार उसमें कढ़ाई में डालेंगे, जब पहली बार पलटेंगे तो थोड़ी देर से पलटें उसको, जल्दी ना करें क्योंकि वो चिपक रहा होता है उस टाइम कढ़ाई में, तो वो टूटने का चांस है उसका। और उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी दो तीन बार पलट पलट के उसको सेक लें तो वो ज़्यादा क्रिस्प बनेगा। तो आप बड़े बनाइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए मेरे साथ। ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और टिप्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जा सकते हैं।